नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। भाइयों, आप लोगों को बहुत अच्छे से भली भांति आप लोग जानते हैं कि कैसे ये भारतीय जनता पार्टी जब स्टेट पे इलेक्शन हार जाती है तो एमएलए का खरीद फरोख्त करती है। बीच में न्यूज उड़ी थी, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे 30-30 करोड़, 35-35 करोड़ में एमएलए को खरीदा जा रहा था, है ना, याद है आपको। अब मैं लेके चलता हूं आपको मेरे सीनियर कलीग अभिषेक मनु सिंघवी जी की ओर। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रंगे हाथों 3 एमएलए को पकड़ा है। वीडियो ऑडियो पे जिसका जिक्र कर रहे हैं वो कि कैसे इन एमएलए को, भाइयों, ये जो खरीद फरोख्त की बात होती है इसको वीडियो पे पकड़ा गया है। अभिषेक मनु सिंघवी साहब इसी की बात कर रहे हैं, फिर ये वीडियो क्लिप्स वगैरह उन्होंने प्रेस वालों, मीडिया वालों को दी है। अभी हमारे तक नहीं पहुंची, जैसे पहुंचेगी हम भी आप तक लाएंगे, लेकिन फिलहाल लेके चलता हूं अभिषेक मनु सिंघवी जी के इस लाइव पे जहां पे वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं नाम लेकर कि कैसे 1, 2, 3 इन 3 एमएलए की वीडियो क्लिप एविडेंस आया है जिसमें इन एमएलए ने एडमिट किया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जब ये लोग कांग्रेस के साथ होते हैं तो आती है, इनको तोड़ती है, इनको या तो टिकट का लालच देती है या पैसे का। और पैसे में फिर बात हुई है कि पैसा कितना मिलता है, जिसमें एक एमएलए ने 52 करोड़ की बात की है। जी हाँ, 16 नहीं, 20 नहीं, 32 नहीं, 52 करोड़ रुपए तक मिलता है इनको खरीदने के लिए। भाजपा इनको 52 करोड़ रुपए देती है, लोगों को खरीदती है, लोग इधर आ जाते हैं, फिर इनको टिकट मिलता है और बाई इलेक्शन में ये लोग लड़ लेते हैं और सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार बन जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में किया भाइयों, जैसे राजस्थान में कोशिश करी आपको याद होगा, जैसे बराबर ये लोग महाराष्ट्र में कोशिश करते रहते हैं आपको पता ही होगा, तो जैसे आगे भी ये लोग कोशिश करते रहेंगे। और जब इन लोगों से बोला जाता है तो ये लोग कहते भाई हम थोड़ी ना कुछ करते हैं, कांग्रेस वाले एमएलए कांग्रेस से नाराज है तो हमारी तरफ ऐसे ही आ जाते हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी ने तथ्य के साथ, एविडेंस के साथ रंगे हाथों 3 एमएलए का पकड़ा है, जिसमें वो क्लियरली तीनों एमएलए, कोई एक पटेल करके है, कोई जडेजा करके है, ये गुजरात वाले एमएलए हैं, और कोई एक और करियवा करके है, और तीनों यही बात कर रहे हैं कि टिकट की गारंटी होती है या पैसे की, ये दो चीज तो भाजपा करती ही करती है, तभी हम लोग उधर जाते हैं। और एक एमएलए उसमें बड़ा चौड़ा होके बात यही कर रहा है कि उसका रेट कार्ड 52 करोड़ रुपए उसको मिले कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करने के लिए, बाय इलेक्शन में लड़ने के लिए। पूरी तरीके से देखिए भाजपा आज, भाजपा मतलब मैं क्या बोलूं, डेमोक्रेसी के नाम पे पूरी तरह ये तो पॉलिटिक्स में दुकानबाजी हो रही है, ये तो दुकान चलाने की बात हो गई। पहले जमाने में एक समय होता था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, फिर एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन ये जो ये लोग काम कर रहे हैं ये तो क्लियरली मतलब ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ है हर तरीके से। संविधान की धज्जियां उड़ाना, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाना, इलेक्शन प्रोसेस की धज्जियां उड़ाना। भाइयों, जब आप एक स्टेट में, राज्य में सरकार बनाते हैं तो सरकार 5 साल की बनती है। आप वोट देते हैं इन लोगों को इनके नाम पे नहीं, आप वोट देते हैं पार्टी के नाम पे। उसके बाद इनके एमएलए निकल के जिनको 50-50 करोड़ की रकम दे के खरीद लिया जाए उधर और दूसरी सरकार बन जाए, तो जो जनता जिसने लाखों वोट दिए, करोड़ों वोट दिए उस राज्य सरकार में को बनाने के लिए उस राज्य में, उस जनता का क्या? फिर उस जनता का तो मत ही नहीं माना गया अगर इस तरीके से आपने सरकार बदल ली बैकडोर से, जो भाजपा लगातार कर रही है। आज इसका प्रूफ अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपने लाइव में, अपनी बात में रखा है। और जैसे मैंने कहा, वो जो वीडियो का वो जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियोस उन्होंने प्रेस वालों को, 500 प्रेस वालों को बांटी है। बहुत जल्दी वो यूट्यूब वगैरह पे आ जाएगी। अगर मुझे नहीं दिखे, आप में से किसी भाई को दिखे तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा लिंक वगैरह, तो मैं भी ये वीडियोस अपलोड करूंगा बाद में इसका पार्ट 2 बना के। फिलहाल बिना समय नष्ट किए लेके चलता हूं आपको अभिषेक मनु सिंघवी जी की ओर। मुझे AICC पोडियम से आपके साथ आमुख होना पड़ रहा है। बीजेपी के भ्रष्टाचार से लिप्त चेहरे को प्रमाणित उदाहरणों के साथ वापस बताने के लिए, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कर्नाटक की, वहां के मुख्यमंत्री की, और किस प्रकार से बेशर्मी के साथ खुल्लम खुल्ला एक खेल खेला जा रहा था, उसकी कहानी सुनाई गई थी आपको। उसके अंत में मैंने कहा था
कि ये एक और कड़ी है, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, ये वो कड़ी है उस श्रृंखला में कड़ी है जिसमें कि गुजरात के पुराने उदाहरण आपको याद हैं, पुत्र मोखे, तेजस्वी श्रृंखला के अंतर्गत बीजेपी ने जो मार्ग प्रज्वलित किया है उसका एक और कैंडिड कैमरा पे स्वीकार किया हुआ प्रमाणित उदाहरण लेके आज हम आपके सामने आए हैं। और इससे जाहिर है कि खरीद फरोख्त भाजपा ने विधायकी पे डाल दी है और विधायकी को गिराने का खरीद फरोख्त एक तरीका बन गया है। मोदी जी ने वास्तव में राजनीति और दुकानदारी का फर्क मिटा दिया है। हमारे पास EICC में, और मेरे सब वहां के जो मित्र हैं वो आपको भेज देंगे व्हाट्सएप पे, आप मान के चलिए कि मुख्य रूप से 3 टेप हैं जो मीडिया पे हैं, आपके आंख के सामने होंगे, आपके कान उनको सुन पाएंगे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक MLA साहब हैं वहां के, अक्षय पटेल साहब। मैं सिर्फ तथ्य दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको उसके निष्कर्ष और उसकी जो व्यापक मुद्दे हैं वो बताऊंगा, क्योंकि ये किसी MLA के बारे में नहीं है, किसी प्रदेश के बारे में नहीं है, ये मुद्दे बहुत व्यापक हैं, उससे कहीं ज्यादा व्यापक है। तो पहला उदाहरण है एक MLA साहब जिनका नाम है अक्षय पटेल। कुछ महीनों पहले तक, लगभग फरवरी मार्च तक हमारे साथ कांग्रेस में थे, वो इस्तीफा देकर छाती ठोक कर बता रहे हैं टेप पे कि पहली बात तो टिकट मिल गया है उनको, और किस प्रकार से इस्तीफा देने के लिए कई अलग अलग जगहों से, दिशाओं से उनको 50-52 करोड़ की ऑफर्स आई हैं। ये टेप आपके सामने होगा, आपको भेजा जाएगा, और अपना वर्चस्व को घोषित करके वो बता रहे हैं कि कितनी महंगी कीमत के वो व्यक्ति हैं जिनके लिए इस प्रकार के 2019 के बाद उस पार्टी से जिसमें वो नहीं है, यानी एक ही पार्टी ऐसी है, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी और गुजरात की सत्तारूढ़ पार्टी। दूसरे टेप में आप देखेंगे एक और MLA, वो भी हाल में इस्तीफा देकर अब इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, जो बायपोल्स हो रहे हैं आप जानते हैं कई सारे, उनका नाम है श्री काकड़िया, और ये कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित है कि इस्तीफा करने के बाद कम से कम एक तो दोनों में से विकल्प होगा, या तो टिकट मिलेगा या पैसा मिलेगा। ये हुआ दूसरा टेप काकड़िया MLA के विषय में, XMLA। तीसरा है एक प्रद्युमन सिंह जादेजा के विषय में टेप, जो अब खड़े हो रहे हैं, वो भी कांग्रेस से निकले हैं, इस्तीफा दिया है, और अब एक अबदासा इलाके से बीजेपी का टिकट मिल रहा है उनको। उन्होंने बताया है कि कटिबद्धता होती है, कमिटमेंट होता है, जमान होती है, जिससे कभी भी ये देने वाली पार्टी मुकरती नहीं है, या तो टिकट मिलता है या पैसा मिलता है, जो बात दूसरे काकड़िया MLA ने भी कही है। और आपको पता है कि 8 ऐसे MLA ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। आपको ये भी पता है कि उनमें से 5 को अब ये जो अभी निकट भविष्य में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उनको टिकट मिला गया है बीजेपी का। जैसा मैंने कहा, ये न कांग्रेस के बारे में है, न गुजरात के बारे में, न काकड़िया के बारे में है, न अक्षय पटेल के बारे में है। ये 10-12 बहुत बड़े व्यापक मुद्दे उठाता है बीजेपी के विषय में, और मैं उनको अंकित कर दूं आपके समक्ष निष्कर्षों के साथ, मुद्दों के साथ, जो हमारे पूरे देश की अस्मिता के एक मूल रूप से उसके सिद्धांतों को पर प्रश्नचिन्ह लगा देता है। 1, आज जो आपने देखा और जो मैं बोल रहा हूं, ये जिरह और बहस की बात नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के क्षेत्र में नहीं है, ये है प्रमाणित चीज कैंडिड कैमरा में। न मैं बोल रहा हूं, ना आप बोल रहे हैं, ये लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं तिथियों के साथ। रकमों की बात हो रही है, जिस केस में मैंने कहा अक्षय पटेल ने 20-52 करोड़ की बात की है, उसमें आरोप हमारा औपचारिक रूप से पहले से था कि पूरा खबर है हमारे पास कि 16 करोड़ से ज्यादा इनको ऑफर हुई है। वो व्यक्ति खुद कहता है कि अलग अलग जगहों से 50 या 52 हुआ है, यानी हमारा आंकड़ा
बहुत कम था। दूसरा तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप या संदेह की बात नहीं है। दूसरा जाहिर है ये सब कुछ उस पार्टी के विषय में है जो सत्तारूढ़ है केंद्र में और प्रदेश में। तीसरा आंकड़े आंकड़े विराट हैं, विशाल हैं, हम करोड़ों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 50-52 करोड़ की बात कर रहे हैं। चौथा ये लिए रुपया नहीं लिए ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ये है ऑफर करने वाले या एक प्रस्ताव रखने वाले का सही चाल चरित्र और चेहरा, उनकी क्षमता, विशाल क्षमता, उनकी असीमित लोलुपता सत्ता के लिए जो उनसे ये करवा रही है, ये मूल मुद्दा है। पांचवा बिंदु, बीजेपी के नंबर वन सभी जानते हैं, देश में एक ही नंबर वन है, बीजेपी के नंबर वन एंड हाफ कह लीजिए, नंबर दो कह लीजिए, वो भी सभी जानते हैं, गुजरात से निकट संबंध रखते हैं। लेकिन आगे चले तो बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता, जब ऐसा हुआ है लगभग 10-12 बार हुआ है पिछले 5 वर्षों में, तो कहते हैं हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो असंतुष्ट लोग हैं जो कांग्रेस या किसी और पार्टी को छोड़ते हैं, हम क्या करें, हमारा ठेका नहीं कि उनका ध्यान रखें, हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये आपको हम उदाहरण दे रहे हैं कैमरे पे वापस 5वीं 6ठी बार, हमारा रोल नहीं है उसका उदाहरण। 50-52 करोड़ हमारा रोल नहीं है, 16 करोड़ हमारा रोल नहीं है, कटिबद्धता टिकट देना या पैसा देना हमारा रोल नहीं है, ये ऊपर की आकाश की जो बिजली है उस कारण से ये MLA अचानक इस्तीफा दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप घास खाते हुए आम आदमी इसका विश्वास करें। हाँ जी, देखा आपने कैसे दूध का दूध पानी का पानी अभिषेक मनु सिंघवी जी ने किया। एक साहब 52 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं टिकट की तो गारंटी है, बताइए। और भाजपा हमेशा कहते आया है कि भाई ये लोग तो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं तो हमारी तरफ ऐसे ही आ जाते, हमारा कोई हाथ नहीं है। हाथ नहीं है, अरे हाथ के साथ नोट के साथ टिकट का लालच के साथ सब है, सब है। खुले आम दुकान चल रही है इलेक्शन के नाम पे, खुले आम डेमोक्रेसी के नाम पे दुकान चल रही है भाइयों, और ये हमारा आप ही का पैसा है। पीएम केयर्स फंड का पैसा याद है, 15,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री साहब, माननीय आदरणीय ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब डकार गए, याद है, सब वहीं से निकलेगा। 15,000 करोड़ जमा किए हुए हैं, 30-30, 50-50 करोड़ में MLA खरीदते रहेंगे। क्या बोले क्या बोले। वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा भाइयों, शेयर करिए, बहुत जरूरी है हमारी आवाज आगे तक जाए। भाइयों देखिए हमारे व्यूज डाउन है, यूट्यूब मदद नहीं कर रहा है, उनको मैंने 4 ईमेल्स डाली है, मदद नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है भारत के लिए, आप भारतीय लोगों को आवाज उठाने का, आवाज उठानी है, मदद करनी है हमारी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि वायरल बना दीजिए। अपने चैनल पे यही वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डर से या डाउनलोड करके चढ़ा दीजिए, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मानूंगा। मेरे अनुपम त्रिपाठी चैनल पे आप जो वीडियो उठा के डालेंगे हमारी एज इट इज, मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। आपको चढ़ाइए, वीडियोस को वायरल करिए, आप 100 लोग अगर वैसा करने लगेंगे तो वीडियो वायरल होने लगेंगे। मैं यही चाहता हूं, करिए, भारत की आवाज और दूर तक पहुंचे। आप भारतीय लोगों की आज मदद हमें चाहिए, करिए इसको, इससे बहुत मदद होगी। आज भी अगर भारत आर्मी से नहीं जुड़े हैं एक बेहतर कल एक बेहतर भारत बनाने के लिए, तो आज ही व्हाट्सएप करिए अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, व्हाट्सएप करिए 9899874982 मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे से डायरेक्ट संपर्क करिए, मैं और आप मिलके एक बेहतर भारत बनाने की मुहिम आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद और जय भारत। जोर से बोलो सब लोग।
भाई इधर से नहीं आया, बता जाता हमें सब आपको दे Yeah.